नमस्कार, मैं अभिव्यक्ति सिन्हा और आप देख रहे हैं SS लोकल लाइव न्यूज। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में भारतीयों को सहायता और सूचना प्रदान करने के लिए 24 घंटे 7 दिन नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध संकट टला नहीं है। रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसी कड़ी में विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में भारतीयों को सहायता और सूचना प्रदान करने के लिए एक 24/7 नियंत्रण कक्ष बनाया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने यूक्रेन में फंसे यूपी के नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर 9454441081 जारी किया है। वहीं यूक्रेन में फंसे अपने बेटे से बात करते हुए एक पिता ने जो अपने बेटे से जानकारी ली तो उसके द्वारा बताया गया कि उनकी किस प्रकार मदद की जा रही है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच बने युद्ध के हालात ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। यूक्रेन में भारत के 20,000 से अधिक छात्र फंसे हैं। मुरादाबाद जनपद में 2022 विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न हो चुका है। चुनाव में सहयोग करने और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में सहयोग करने पर आज जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने शहर के गणमान्य नागरिकों और निर्यातकों को सम्मानित किया है। मुरादाबाद जनपद में 2022 विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न हो चुका है। चुनाव में सहयोग करने और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में सहयोग करने पर आज जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने शहर के गणमान्य नागरिकों और निर्यातकों को सम्मानित किया। साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने निर्यातकों और शहर के गणमान्य नागरिकों को विधानसभा चुनाव में सहयोग करने पर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि द्वितीय चरण में मुरादाबाद जनपद में चुनाव संपन्न हुआ था। अगर पिछले लोकसभा चुनाव और 2017 विधानसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत की बात करें तो उसके मुकाबले 2022 विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, मगर इतना ज्यादा भी नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से कोविड आदि का प्रभाव था, सब कुछ होते हुए भी उसके बावजूद मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और निश्चित रूप से इसमें समाज के हर तबके का सहयोग मिला है। इन लोगों से, समाज के हर तबके से जिन्हें सहयोग मिला है, उन लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए आज उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सहयोग कर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आज इन सभी लोगों को सम्मानित किया गया है। देखिए, जैसा आप सभी लोग अवगत हैं कि द्वितीय चरण में हमारे जनपद में मतदान संपन्न हुआ था। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव और उसके पहले 2017 के विधानसभा चुनाव से कंपेयर करें तो इस बार हम लोगों का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। यदि बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जिस तरह से कोविड आदि का प्रभाव था, सब कुछ होते हुए हमारा परसेंटेज बढ़ा है और निश्चित रूप से इसमें हमें समाज के हर तबके का सहयोग मिला। इन लोगों का जो समाज के हर तबके से हमें सहयोग मिला है, उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था, जिससे जो इन लोगों का सहयोग मिला है, जो इनकी ऊर्जा हमारे साथ जुड़ी हुई है, इसके प्रति हम प्रशासन की तरफ से आभार व्यक्त कर पाए। आज इन सभी लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। निश्चित रूप से एक ये हम लोगों की उपलब्धि रही कि अगर हम पोस्टल बैलेट को भी जोड़ दें तो लगभग 68% हमारे जनपद में मतदान हुआ है। जो सेकेंड चरण के या अब तक के जितने जनपद हैं उनमें हम लोग टॉप 5 जनपदों में अभी तक हैं मतदान प्रतिशत। तो निश्चित रूप से इसका श्रेय यहाँ के सभी जनपद वासियों को जाता है। उन वोटर्स को विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करूँगा जो हमारे मतदान केंद्रों पर आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया और हम लोगों को बेहतर फीडबैक दिया। हम उन सब लोगों के लिए प्रति भी अपने आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। वहीं जिलाधिकारी ने आगे कहा कि उन मतदाताओं का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने मतदान केंद्रों पर आकर अपने मत का प्रयोग किया। जिला प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच रखी ईवीएम मशीनों का आज बिजनौर गठबंधन प्रत्याशियों ने जिला अधिकारी के साथ निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान गठबंधन प्रत्याशियों ने प्रशासन द्वारा ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। जिला प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच रखी ईवीएम मशीनों का आज बिजनौर गठबंधन प्रत्याशियों ने जिलाधिकारी के साथ निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान गठबंधन प्रत्याशियों ने प्रशासन द्वारा ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर की गई व्यवस्था की सराहना की। दरअसल बिजनौर में विधानसभा चुनाव का मतदान चुनाव संपन्न होने के बाद बिजनौर जिला प्रशासन ने ईवीएम मशीनों को सुरक्षा पूर्वक बिजनौर के वेयर हाउस में रखवा दिया, जहाँ पर बीएसएफ के जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को रखा गया है। बीएसएफ के जवान दिन रात वेयर हाउस के इर्द गिर्द रहकर मशीनों की सुरक्षा कर रहे हैं ताकि ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ न की जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर ईवीएम मशीनों की उल्टी सीधी वायरल वीडियो से बौखलाए बिजनौर गठबंधन प्रत्याशियों को बिजनौर जिला प्रशासन की सुरक्षा पर भरोसा नजर नहीं आ रहा है।
बिजनौर के गठबंधन प्रत्याशियों ने जिलाधिकारी से वेयरहाउस में रखी मशीनों का निरीक्षण करने की गुहार लगाई। इसके बाद डीएम उमेश मिश्रा, गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर नीरज और स्वामी ओमवेश और गठबंधन के कार्यकर्ता वेयरहाउस पहुंचे और ईवीएम की सुरक्षा को ध्यानपूर्वक देखा। साथ ही इस दौरान ईवीएम की सुरक्षा को देखकर गठबंधन प्रत्याशियों ने जिला प्रशासन की सराहना की। बिजनौर सदर सीट से गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर नीरज ने बताया कि जिला प्रशासन ने ईवीएम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा था हम लोगों को एक बार उनके साथ निरीक्षण करने के लिए, तो हम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के साथ आए थे आज ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण करने के लिए, जिसमें हमने उसको काफ़ी संतुष्टि पूर्वक उसको पाया और एक दो सुझाव हमने दिए जो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय साहब ने उसको माना, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और अच्छी व्यवस्था है, हम लोग संतुष्ट हैं और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है प्रशासन को कि कृपया इस व्यवस्था को ऐसी बनाए रखें और हमारे एक दो सुझाव हैं उन्होंने कहा हम उसको। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो किस तरीके की सुरक्षा है? सुरक्षा अंदर बीएसएफ के हाथ में है, फर्स्ट राउंड ऑफ जो सिक्योरिटी है हम उससे बहुत संतुष्ट हैं। वो लोग बहुत अपना कर्तव्य पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमें अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे पूरा भरोसा है। फिलहाल सभी की नज़रें मतगणना पर टिकी हुई हैं। 10 मार्च को मतगणना के बाद ही जीत का सेहरा किसी एक के सिर बंधेगा। बिजनौर जनपद के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने आज थाना शेरकोट का वार्षिक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाना अध्यक्ष को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। बिजनौर जनपद के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने आज थाना शेरकोट का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष को दिशा निर्देश दिए और थाना कार्यालय में रखे अभिलेखों, अपराध रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, भूमि विवाद रजिस्टर, हत्या से संबंधित रजिस्टर, बीट सूचना रजिस्टर और अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया और उक्त अभिलेखों को अद्यावधिक बनाने और उचित रखरखाव के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही जनसुनवाई से संबंधित शिकायती प्रार्थना पत्र के निस्तारण की समीक्षा की गई। वहीं महिला हेल्प डेस्क की समीक्षा करते हुए महिला पुलिसकर्मियों को फरियादियों से अच्छे व्यवहार करने और उनकी समस्याओं को सुनकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही बीट पुलिसिंग प्रणाली के माध्यम से जन समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित किया गया और बीट पुलिसकर्मियों की समीक्षा की गई और समय से बीट सूचना अंकित कराने हेतु निर्देशित किया गया और डायल यूपी 112 की समीक्षा की गई व किसी भी घटना में 10 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचने के लिए पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया। साथ ही चौकीदारों के संग गोष्ठी कर आगामी त्योहारों और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज थाना शेरकोट का मेरे द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक तो बाउंड्री वॉल की कमी है, यहाँ तीन तरफ से उसको बनाने के लिए प्रस्ताव बनाने के लिए निर्देशित किया गया है और जो बिल्डिंग खराब है उसको निष्प्रयोज्य घोषित करा करके नई बिल्डिंग बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। जो अभिलेखों में कमियां थी, जो इंट्रीज में, या चूँकि नए वर्ष का रजिस्टर अलग है पुराने वर्ष का, तो उस पर जो कमियाँ हैं उसको दुरुस्त करने के लिए संबंधित मुंशी और थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। मोर आर्डर्स थाने के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। इसके साथ ही थाना शेरकोट की तीनों तरफ से बाउंड्री वॉल कराए जाने के लिए प्रस्ताव बनाकर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध संकट टला नहीं है। रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसी कड़ी में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद सिंह का मानना है कि भारत को अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में रहना पड़ेगा, क्योंकि रूस के साथ भारत के पुराने संबंध रहे हैं और रूस भारत का रक्षा सहयोगी रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जो इस समय समस्या, सैन्य समस्या खड़ी हो गई, खास करके यूक्रेन की सीमा पर जो रूस के सैनिक वहाँ पर इकट्ठा हैं, रूस चाहता है कि जो उसका डोनबास और लुहानस्क जो क्षेत्र है उसको उसने अलग से एक दर्जा दे दिया क्षेत्र का, और कल ही अभी रूस की जो संसद ने रूस को एक प्रकार से मंजूरी दे दी है कि अपने क्षेत्र से, अपनी सीमाओं के बाहर जाकर के सैन्य कार्रवाई करने की, इससे नो डाउट युद्ध का खतरा जो है वो बढ़ गया है। उधर अमेरिका और नाटो कंट्रीज भी जो हैं
वो इस मुद्दे पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन अभी ये है कि चूंकि यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन नहीं किया है, तो इसलिए सीधे तौर पर जो नाटो देश हैं वो उसका उसकी कितनी मदद करेंगे, किस तरह से वो आगे आएंगे, ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन भारत की जहाँ तक बात है, भारत और रूस के बड़े पुराने संबंध हैं और रूस भारत का पुराना रक्षा सहयोगी है। इधर कुछ वर्षों में अमेरिका के साथ भी रूस का बहुत अच्छा संबंध बना है, खास करके व्यापारिक क्षेत्र में। भारत और न्यूक्लियर डील के बाद जो रक्षा कुछ समझौते हैं उसमें भी, तो इसलिए भारत ये चाहेगा कि भारत के संबंध, भारत के जो आर्थिक हित हैं, रक्षा हित हैं, वो दोनों बरकरार रहें। और रूस के साथ इसलिए वो अभी यूएन में भी इसीलिए भारत न्यूट्रल लगभग रहा और वेट एंड वॉच की स्थिति है भारत के लिए कि वो अगर इसमें कहीं किसी तरफ से इन्वॉल्व होना भी चाहे तो नहीं होना चाहेगा, क्योंकि भारत का जो हित है वो इसी में है कि वो इससे अभी अपनी दूरी बनाए रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि इधर पिछले कुछ वर्षों में रूस के साथ अमेरिका के भी व्यापारिक संबंध बने हैं और क्योंकि यूक्रेन ने अभी नाटो ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि नाटो देश उसकी कितनी मदद करेंगे। यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा मुरादाबाद की ग्राम पंचायत नगला बनवीर गांव का प्रथम वर्ष का छात्र मोहम्मद फैज भी अपने देश आने के लिए बेकरार होता नजर आ रहा है। यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा मुरादाबाद की ग्राम पंचायत नगला बनवीर गांव का प्रथम वर्ष का छात्र मोहम्मद फैज भी अपने देश आने के लिए बेकरार नजर आ रहा है। SS चैनल के संवाददाता ने जब यूक्रेन में फंसे छात्र मोहम्मद फैज से संपर्क सूत्र से बात की तो छात्र द्वारा बताया गया कि यहां पर हालात बेहतर नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि यूक्रेन पर लगातार रूस के हमले जारी हैं। सभी साथी छात्र छात्राओं द्वारा यूक्रेन सरकार से सुरक्षित होने की गुहार लगाई जा रही है और अपने देश वापसी की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अभी नहीं लगता है कि देश वापसी हो पाएगी। हम लोग यहाँ पे कीव रेलवे स्टेशन में फंसे हुए हैं, हम लोग रात भर यहाँ पे आए हुए हैं, हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, बहुत सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। हम एम्बेसी को कॉल करे जा रहे हैं यहाँ पे, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है, ना यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास, टैक्सी वाले नहीं मिल रहे और कुछ भी नहीं है, और एम्बेसी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, तो अब हमें जवाब दीजिए, हम करेंगे। एम्बेसी हमारी जो एम्बेसी है कीव में वो बंद हो चुकी है, मतलब उन्हें बोल दिया गया है, ऑर्डर आ गए हैं कि इंडिया जा रही है एम्बेसी, तो अब यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, टैक्सी नहीं मिल रही है, बस नहीं मिल रही है, हम कहाँ जाएं, मतलब कि सिर्फ हमें सेफ जगह पे लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें तुरंत इंडिया वापस जाना है, पर हमें एक सेफ जगह, हम एम्बेसी से ये चाहते हैं कि हमें एक सेफ जगह दी जाए। आपको बता दें कि थाना पाकबड़ा की ग्राम पंचायत नगला बनवीर के बाबू आलम जो कि कारोबारी हैं, उनका बेटा यूक्रेन के शहर की यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। मोहम्मद फैज MBBS प्रथम वर्ष के छात्र हैं और अपने परिवार के टच में हैं। वहीं बाबू आलम द्वारा बताया गया कि उन्होंने भारतीय दूतावास से बात की है और सभी छात्र छात्राओं को सुरक्षित पहुंचाने की बात कही गई है, लेकिन अभी नहीं लगता कि सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी, क्योंकि यूक्रेन और रूस की लड़ाई लगातार जारी है और मामला काफी गंभीर नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार अगर चाहे तो सभी बच्चों को सुरक्षित लाने का काम कर सकती है। उत्तर प्रदेश में चल रहे वर्तमान विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन योजना एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। प्रमुख विपक्षी दल द्वारा सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा की गई है, जिससे कर्मचारी अत्यंत आशावान्वित हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहे वर्तमान विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन योजना एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। प्रमुख विपक्षी दल द्वारा सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा की गई है, जिससे कर्मचारी अत्यंत आशान्वित हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? हेमंत चौधरी, कोषाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद मुरादाबाद। जी चौधरी साहब, जैसे कि राजस्थान सरकार ने भी कह दिया है कि पुरानी पेंशन योजना यहाँ बहाल रहेगी, तो उसको देख के क्या कहना चाहते हैं? जी, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी बहुत सालों से 2004 के बाद लगातार प्रयास कर रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, और ये हमारी बहुत पुरानी मांग रही है। और रही राजस्थान सरकार की, तो वहाँ की जो सरकार है उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के लिए वहाँ घोषणा की है, तो हम इसका स्वागत करते हैं और लगातार, क्योंकि पुरानी पेंशन एक जो है सामाजिक सुरक्षा है राज्य कर्मचारियों के लिए और उनका भविष्य है पुरानी पेंशन, तो ये मांग हम बहुत सालों से लगातार
इस प्रदेश के कर्मचारी उठाते आ रहे हैं और हमें अभी भी आगे यही मांग करेंगे कि जो एनपीएस के साथ ही हमारे हमको पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो है बुढ़ापे का सहारा होती है और अपनी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। अच्छा, जैसे चुनाव गुजरे हैं अभी, अब आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? पूरी जो भी सरकार आए तो हमारा मुद्दा यही है कि पुरानी पेंशन हमारी बहाल की जाए। दरअसल पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों का कहना है कि वास्तव में पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के भविष्य के लिए एक संजीवनी की तरह है। किसी भी सेवायोजन का ये कर्तव्य होता है कि वो सेवा के उपरांत अपने कार्मिकों के भविष्य का ख्याल रखे और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। मुरादाबाद जनपद में वैक्सीनेशन को लेकर बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। ऐसे में अब स्कूल खुलने के बाद शिक्षा विभाग में वैक्सीनेशन के कार्य को और तेज करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुरादाबाद जनपद में वैक्सीनेशन को लेकर बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। ऐसे में अब स्कूल खुलने के बाद शिक्षा विभाग में वैक्सीनेशन के कार्य को और तेज गति से करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस कड़ी में मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने बताया कि मुरादाबाद में 1,44,000 से अधिक विद्यार्थियों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। अब दूसरी डोज के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें लगातार कामयाबी मिल रही है। ऐसे में उन्होंने जनपद के सभी शिक्षक और प्रधानाचार्य को ये निर्देश दिए कि बचे हुए बच्चों को दूसरी डोज का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराया जाए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अभी स्कूल संचालित हो चुके हैं, अब स्कूलों में भी वैक्सीनेशन को लेकर बड़े स्तर पर काम हो, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से भी कार्य किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन हमारे यहाँ कुल लगभग 1,41,000 बच्चे हैं जो वैक्सीनेशन किया रहते हैं। उनमें से प्रथम डोज का वैक्सीनेशन 100% हो गया है, सेकंड डोज का वैक्सीनेशन हम करा रहे हैं। लगभग 58,000 बच्चों का सेकंड डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है, शेष बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया गतिमान है। हम उम्मीद करते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं से पहले सभी बच्चों को दूसरा डोज भी लग जाए। आपके द्वारा कोई निर्देश जारी किए गए हैं स्कूलों के लिए? हाँ, हम प्रतिदिन विद्यालयों का चयन करते हैं किन विद्यालयों में वैक्सीनेशन की कार्रवाई होनी है, और CMO मुरादाबाद के माध्यम से हम वहाँ वैक्सीनेशन टीम भेजते हैं और अपने राजकीय विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं को लगा करके हम डेली उसकी मॉनिटरिंग कराते हैं और वो संख्या हमारे पास डेली आती है। जिला विद्यालय निरीक्षक होने के नाते आप क्या अपील करेंगे विद्यार्थियों से और स्कूल से? हम सभी बच्चों से और अभिभावकों से, स्कूल के प्रिंसिपल से, टीचर से ये अपील करना चाहते हैं कि कोविड संक्रमण के द्वितीय दौर की भयावस्था को हम लोग देख चुके हैं, झेल चुके हैं। ऐसे में सभी बच्चों को प्रेरित करके, उनके गार्जियंस को प्रेरित करके, सभी बच्चों को कोविड टीकाकरण के द्वितीय डोज को लगवाएँ, जिससे कि जीवन सुरक्षित रहे और बच्चे अच्छे से अपनी परीक्षा को बिना किसी तनाव के, बिना किसी भय के दे सकें। साथ ही डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने जनपद मुरादाबाद के सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ सभी शिक्षकों से अपील की है बच्चों का वैक्सीनेशन कराने के लिए वो अपना भरपूर योगदान दें। मुरादाबाद के कांट रोड को दिल्ली रोड से जोड़ने वाला सोनकपुर ओवरब्रिज अब जल्द से जल्द जनता के हवाले होने वाला है। काम बहुत तेजी से साथ किया जा रहा है और ये प्रयास है कि वर्ष 2022 के मार्च में जनता इसका लाभ भी उठा सकती है। मुरादाबाद के कांट रोड को दिल्ली रोड से जोड़ने वाला सोनकपुर ओवरब्रिज जल्द से जल्द जनता के हवाले होने वाला है। काम बहुत तेजी से साथ किया जा रहा है। ये प्रयास है कि 2022 के मार्च में जनता इसका लाभ उठा सकती है। ओवरब्रिज का काम रेलवे ने मार्च के पहले सप्ताह में पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि रेलवे अपना काम संपन्न कराने के बाद बाकी बचा काम जल्द से जल्द पूरा कर सकती है, जिससे दिल्ली रोड और कांट रोड को जोड़ने वाला ये ब्रिज जनता के लिए लाभदायक साबित होगा। वहीं मुरादाबाद रेलवे डिवीजन के सीनियर DCM सुधीर सिंह ने बताया कि लगातार इस ओवरब्रिज का काम रेलवे बड़ी गहनता के साथ कर रही है और कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। गुणवत्ता के आधार पर सारे काम किए जा रहे हैं, सभी को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं काम को बेहतर तरीके से करने के लिए। इसमें जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट रेलवे का कर रहा है, मैक्सिमम काम कर चुका है, एक हफ्ते का काम बाकी है, तो उम्मीद है कि 10 मार्च तक ये हो जाना चाहिए। जी, इसके बाद कुछ वर्क रहेंगे जो कि रेल ब्रिज कॉरपोरेशन करता है, माइनर वर्क है, और पूरी उम्मीद है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में मार्च से पहले पहले ये पूरा काम जनता को समर्पित हो जाएगा।
आपको बता दें कि ओवरब्रिज का काम मार्च में पूरा कर लिया जाएगा। आगामी 2 मार्च से 8 मार्च तक विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री मुकुंद भागवत सेवा परिवार के तत्वाधान में तृतीय 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अमृत और भक्तमाल कथा महोत्सव का आयोजन कोठीवन नगर स्थित श्री गीता ज्ञान मंदिर में किया जाएगा। आगामी 2 मार्च से 8 मार्च तक विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री मुकुंद भागवत सेवा परिवार के सौजन्य से तृतीय 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अमृत और भक्तमाल कथा महोत्सव का आयोजन कोठीवाल नगर स्थित श्री गीता ज्ञान मंदिर में किया जाएगा। कार्यक्रम के तैयारियों को लेकर श्री मुकुंद भागवत सेवा परिवार मेरो वृंदावन गीतापुरम मुरादाबाद द्वारा एक विशेष आध्यात्मिक सभा का आयोजन कोठीवाल नगर स्थित राकेश अरोड़ा के निवास स्थान पर किया गया। साथ ही बैठक में उपस्थित श्री मुकुंद भागवत सेवा परिवार के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने आयोजित की जाने वाली श्रीमद् भागवत कथा महापुराण एवं भक्तमाल कथा महोत्सव की तैयारियों पर लेकर चर्चा की और सभी से कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए सुझाव मांगे गए। हमारी जो है श्रीमद् भागवत महापुराण एवं भक्तमाल कथा महोत्सव तृतीय हो रहा है यहाँ पर, और हमारे परम आदरणीय परम सद्गुरु श्री रविनंदन शास्त्री जी महाराज जी की मधुर वाणी में और उनके द्वारा किया जाएगा। मुकुंद भागवत सेवा परिवार मुरादाबाद का जो परिवार है, जिसका यहाँ गीतापुरम में मेरो वृंदावन में इस धाम का नाम मेरो वृंदावन रखा गया है, उसमें इस सभा का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता हमारे श्री पवन जलिया जी ने करी और श्री राकेश जी के निर्देशन में और नेतृत्व में इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये कब से कब तक हुई, कहाँ पर की जाएगी? 2 मार्च से और 8 मार्च तक श्री गीता ज्ञान मंदिर मुरादाबाद में हो रही है। 2 तारीख को पहले महाराज जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, उनके साथ बहुत ही भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि श्री गीता ज्ञान मंदिर से प्रारंभ होकर बुद्ध बाजार चौराहे तक जाकर और फिर वापस यहाँ पर गीता ज्ञान मंदिर में समापन होगी, और उसके बाद कथा का और भक्तमाल का प्रारंभ। महानगर के धर्म प्रेमियों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम महानगर के लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि इस कथा का आनंद लें। भागवत ये बहुत ही बिरले लोगों को नसीब होती है जो इसको श्रवण करता है और अपने जीवन को भक्ति में बनाए। बैठक में मुख्य रूप से राकेश अरोड़ा, गुलशन सुखीजा, संदीप बजाज, नीरज गगनेजा, नरेंद्र कक्कड़, निवेश पर दर्पण गुंबर, शिवम अरोड़ा, उदित अरोड़ा, मुदित कटिहार, अशोक सिक्का, श्याम चावला, दर्शन पुराना, सोनू कपूर, अशोक अरोड़ा, नीतू डोडा, पंकज कक्कड़, रुपेश आहूजा, संजय बाटला, पंकज गुप्ता, दिनेश गुप्ता, दिनेश अग्रवाल, कमल सपरा आदि उपस्थित रहे। मुरादाबाद जनपद में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर स्थानीय मंदिरों में जलाभिषेक की तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मुरादाबाद में हरिद्वार से जल भरकर शिव भक्त अपने स्थानीय मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। दरअसल अगवानपुर नगर पंचायत के मंदिरों में शिव भक्त पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में मंदिरों में अब तैयारियों को लेकर काम किया जा रहा है। अगवानपुर नगर पंचायत के श्री राम मंदिर में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई। मंदिर के पुजारी द्वारा बताया गया कि साफ सफाई को लेकर नगर पंचायत के अधिकारी द्वारा काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो व्यवस्था की जा रही है, साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है, जो भी कंप्लेंट इधर उधर से आ रही है उन पर भी हम वो कर रहे हैं, उन समस्याओं का निस्तारण करवा रहे हैं। यहाँ पर रामलीला ग्राउंड है, यहाँ पर भी मंदिर हैं, 2 मंदिर हैं जहाँ पर ज़्यादातर से जलवाहक होता है। पथ प्रकाश की व्यवस्थाओं को लेकर काफ़ी समस्याएं आ रही हैं क्षेत्र में? नहीं, पथ प्रकाश की व्यवस्थाओं की समस्या थी, ठीक है, यहाँ पर कंप्लेंट भी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर वो इसकी व्यवस्था की है और सारी लाइटें इस समय पर हमने ठीक करवा दी है। साथ ही नगर पंचायत अगवानपुर के अधिशासी अधिकारी मुरारी लाल शर्मा का कहना है कि पूरे नगर पंचायत में साफ सफाई को लेकर काम किया जा रहा है। मंदिरों के आसपास भी साफ सफाई के साथ प्रकाश की व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार के शिव भक्तों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। बिजनौर के कृषि विज्ञान केंद्र में इफको कंपनी की ओर से तैयार किए गए नैनो यूरिया के बारे में आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गन्ना विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गण मौजूद रहे।
बिजनौर के कृषि विज्ञान केंद्र में इफको कंपनी की ओर से तैयार किए गए नैनो यूरिया के बारे में आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गन्ना विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गण मौजूद रहे। दरअसल इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कंपनी की ओर से नगीना के कृषि विज्ञान केंद्र में नैनो यूरिया पर आधारित सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के नाम से एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें गन्ना विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान इफको कंपनी के मुख्य प्रबंधक यतेंद्र कुमार देवतिया ने प्रशिक्षण के दौरान सभी को नैनो यूरिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान यतेंद्र देवतिया ने बताया कि किसानों के द्वारा खेती में इस्तेमाल किए जाने वाला दानेदार यूरिया ज्यादातर मिट्टी में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से फसल को उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसी को लेकर कंपनी ने नैनो यूरिया तैयार किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि यूरिया की बर्बादी होने से बचे और नैनो यूरिया के इस्तेमाल करने से फसल को पूरा लाभ मिल सके। मैं आज यहाँ केवी के केंद्र पर इसलिए आया था कि यहाँ नैनो यूरिया के बारे में ट्रेनिंग देनी थी, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ विशेषकर पेड़ी प्रबंधन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी DCO थे, उनसे हमारी वार्ता हुई थी कि गन्ना में करीब 60-70% तक यहाँ पेड़ी गन्ना होता है, और उसमें आजकल बहुत सारे छिड़काव किए जाते हैं दवाओं के भी और यूरिया के भी। तो आज हम लोगों को इसी क्रम में ट्रेनिंग दिया था, जो पेड़ी में छिड़काव किया जाता है उसमें 18-18, 19-19 सागर का जो मिलाते हैं उसके साथ नैनो यूरिया को भी इस्तेमाल करें तो इससे उसको अधिक लाभ होंगे। नैनो यूरिया जो है केवल छिड़काव के द्वारा पत्तियों पर पड़ता है तभी प्रभावकारी होता है। पत्तियों में जो छिद्र होते हैं नीचे, आप लोग जानते होंगे, जो किसानों को सभी को बताया गया, जो छिद्र होते हैं स्टोमेटा, उसी के माध्यम से ये पौधे इसको ग्रहण करते हैं। बता दें कि नैनो यूरिया का किसानों को फसल पर स्प्रे करना होगा, जिससे किसानों की फसल के हर पौधे को यूरिया का पूरा लाभ मिलेगा। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में प्लेसमेंट सेल और काउंसलिंग सेल द्वारा छात्राओं के पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान का आयोजन किया गया। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में प्लेसमेंट सेल और काउंसलिंग सेल द्वारा छात्राओं के पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। वहीं जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर किरण साहू ने छात्राओं को वोकेशनल कोर्स की विभिन्न शाखाओं के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के प्रतिनिधियों ने अपनी टीम के साथ छात्राओं का ज्ञानवर्धन किया। साथ ही नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपक मेहंदीरत्ता ने कृषि मधुमक्खी पालन कोर्स की जानकारी दी। साथ ही इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर चारू मेहरोत्रा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र छात्राओं के लिए रोजगार पर पाठ्यक्रम की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसमें वोकेशनल शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा गया है, जिससे छात्राएं रोजगार पर शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकें। वहीं उप प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास ने छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा के महत्व से अवगत कराया। छात्राओं के प्रश्नों का जवाब भी विषय विशेषज्ञों ने दिया। साथ ही कार्यक्रम में हसन कमाल, अदनान खान, सोनिया सांगवान, ओमिक सीरानी, मंसूर अहमद खान और मोहम्मद फुरकान ने भी अपने व्याख्यान से छात्राओं का ज्ञानवर्धन किया। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने की। कार्यक्रम में प्लेसमेंट सेल की सदस्याएं डॉक्टर वंदना पांडे, डॉक्टर एकता भाटिया, डॉक्टर प्रवीण सैनी, डॉक्टर सीमा मलिक, डॉक्टर प्रेमलता कश्यप, डॉक्टर सीमा रानी, डॉक्टर मोनिका सिंह और करियर काउंसलिंग से डॉक्टर सुदेश, डॉक्टर करुणा आनंद, डॉक्टर रूपाली गुप्ता आदि का विशेष सहयोग रहा। मुरादाबाद के टाउन हॉल स्थित पुराना मर्दाना अस्पताल में जिला क्षय योग केंद्र पर धन गुरुओं की बैठक टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत आयोजित की गई। मुरादाबाद के टाउन हॉल स्थित पुराना मर्दाना अस्पताल में जिला क्षय रोग केंद्र पर धर्मगुरुओं की बैठक का आयोजन टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत की गई। वहीं बैठक में महंत सरदार गुरविंदर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि टीबी एवं अब लाइलाज बीमारी नहीं है, समय पर जांच और उपचार से अब अन्य बीमारियों की तरह पूर्ण रूप से ठीक होने वाली बीमारी है। आचार्य कामेश्वर मिश्र ने कहा कि वो अपने अनुयायियों को बताते हैं कि यदि किसी को 2 हफ्ते से अधिक की खांसी होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जाँच कराएं, ताकि समाज में टीबी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वहीं पादरी डैनियल मसीह ने अपने संबोधन में कहा कि चर्च में प्रत्येक रविवार को प्रार्थना में टीबी के लक्षणों को बताया जाता है, खांसते छींकते समय मुंह पर
साफ कपड़ा रखना चाहिए। वहीं इमाम मोहम्मद खुर्रम शमशी ने कहा कि वह सदैव लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करते रहते हैं। लक्षण पाए जाने पर लोगों को अस्पताल जाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। चारों धर्मों के धर्मगुरुओं ने एक संयुक्त लिखित अपील में कहा है कि दो हफ्ते से अधिक की खांसी, बलगम आना, बलगम में खून आना, भूख कम लगना, वजन घटना, शाम को बुखार आना, सोते समय पसीना आना टीबी के लक्षण हैं। यदि किसी को ये लक्षण पाए जाते हैं तो वो तुरंत सरकारी अस्पताल में आकर जांच और उपचार निःशुल्क प्राप्त करे। साथ ही इस अवसर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर मोहम्मद जावेद, डीपी पीएमसी मनोज कुमार, डीपीटीसी अनुज शर्मा, अमित भटनागर आदि लोग मौजूद रहे। मुरादाबाद जनपद के डिलारी में बीती रात को अचानक ओले गिरने से किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। गेहूं की फसल, चना, मटर, सरसों आदि की फसलों को ओले पड़ने से काफी क्षति पहुंची है। इससे किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। मुरादाबाद जनपद के डिलारी में बीती रात को अचानक ओले गिरने से किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुँचा है। गेहूं की फसल, चना, मटर, सरसों आदि की फसलों को ओला पड़ने से काफी क्षति पहुँची है। इससे किसान काफी चिंतित है। दरअसल मौसम ने बीती रात अचानक करवट बदली। बारिश के साथ ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई। डिलारी क्षेत्र के कई गांवों में गरज के साथ ओले गिरे। इससे गेहूं की बालियां, मटर, सरसों, चना, अरहर के फूलों और फली पर इसका असर दिखा। ओलावृष्टि ने किसानों के दो महीने की मेहनत पर पानी फेर दिया। वहीं किसानों ने बताया कि दैवीय आपदा के चलते किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। साथ ही चने की फसल पर फूल लगा हुआ था और गेहूं में भी बालियां थी। ओलावृष्टि ऐसे समय पर हुई है कि फसल में अब दोबारा जान आना संभव नहीं है। इससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा के डिंगरपुर रोड पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक बुलेट मोटरसाइकिल सवार अचानक अगले ब्रेक दबा बैठा और उसकी गाड़ी फिसलती चली गई, जिससे बाइक सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा के डिंगरपुर रोड पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक बुलेट मोटरसाइकिल सवार ने अचानक मोटरसाइकिल के अगले ब्रेक दबा बैठा और उसकी गाड़ी फिसलती चली गई। गाड़ी फिसल जाने से मोटरसाइकिल पर बैठी महिला और उसका नवजात शिशु घायल हो गए। दरअसल यहां महलकपुर माफी के एक युवक अपनी पत्नी के साथ बुलेट मोटरसाइकिल से खरीदारी करने के लिए पाकबड़ा जा रहा था। जैसे ही युवक पाकबड़ा के डिंगरपुर रोड मंदिर के पास पहुंचा, अचानक उसके सामने एक महिला आ गई और युवक ने अपनी मोटरसाइकिल का अगला ब्रेक दबा दिया, जिसके चलते गाड़ी फिसलती चली गई और उस पर बैठी महिला और बच्चा जमीन पर गिरकर जख्मी हो गए। वहीं आनन फानन में घायलों को पास के ही अस्पताल में जाकर उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उनका इलाज किया जा रहा था। ये लड़की और ज्यादा चोट तो नहीं लगी है? नहीं, ज्यादा नहीं। गाड़ी अपने आप फिसल गई थी? अपने आप ही। बच्चे की चोट तो नहीं लगी? किसी बच्चे के है थोड़ी। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। मुरादाबाद के डबल फाटक चौराहे पर प्याऊ का निर्माण कराया गया था, जो कि अब शौचालय में तब्दील हो गया है, जिसे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महानगर मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, मगर स्मार्ट सिटी के स्मार्ट वासनिक और प्रशासनिक अधिकारी महानगर में व्याप्त समस्याओं को जैसे दरकिनार किए हुए हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं लगता कि उनके महानगर मुरादाबाद की जनता कितनी परेशानियों से जूझ रही है। दरअसल डबल फाटक चौराहा के जहां पर महानगर के बाहरी क्षेत्रों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों और शहरी लोग हजारों की संख्या में प्रतिदिन गुजरते हैं, ऐसे में यहां की सड़क का कितना बुरा हाल है। इस मार्ग पर चलने वाले गड्ढों में सड़क को ढूंढते हैं और यहाँ पर न तो प्याऊ की ही व्यवस्था है और न ही शौचालय की। कुछ वर्षों पहले यहां पर समाजवादी पार्टी के राज में नगर निगम द्वारा डबल फाटक चौराहा पर प्याऊ का निर्माण कराया गया था, जो कि अब शौचालय में तब्दील हो गया है। साथ ही इस प्याऊ में बने शौचालय के पास खड़े रहना तो छोड़िए, इसके पास से होकर गुजरना भी राहगीरों को परेशानी में डालता प्रतीत होता है। साथ ही महानगर मुरादाबाद के आला अधिकारियों को नाही क्षेत्रवासियों द्वारा अनेकों बार संबंधित विभाग के अधिकारियों से शिकायत किए जाने के बावजूद शौचालय बने। वहीं ये हाल तब है जब इस मार्ग से प्रतिदिन जिम्मेदार अधिकारी गुजरते रहते हैं। पुल के नीचे जो सौंदर्य दरार है वो नहीं हो पा रहा है। ये ग्रीन बैंक यहाँ बननी चाहिए, फुलवारी लगनी चाहिए, नगर निगम द्वारा पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से करनी चाहिए। पहले देखा गया कि आपके संस्था द्वारा एक ग्रीन बेल्ट बनाई भी गई थी, क्या कारण रहा कि वो टूट चुकी है? वो नगर निगम द्वारा अनदेखी की गई, उसके ऊपर
जिसके कारण वो सारे पेड़ पौधे जो थे खराब हो गए, मर गए, कुछ लोग उखाड़ के ले गए। तो नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो जल थल विभाग द्वारा इनमें पानी डलवाया जाए और इनकी एक पक्की रूप से व्यवस्था करी जाए। और क्या समस्या है यहाँ पर? और ये पुल के नीचे जो सड़क है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, पूरी तरीके से ध्वस्त है। आप चल करके देख सकते हैं किस तरीके से सड़क की हालत है। ये कब से खराब पड़ी है सड़क? दो महीने हो गए। किसकी जिम्मेदारी बनती है ये सड़क को बनवाने के लिए? महापौर जी की जिम्मेदारी बनती है, वो उनका यही रूल है, वो कम से कम चार बार इस रोड से निकलते होंगे। महापौर जी लगो और यहाँ के विधायक कितनी दूर रहते होंगे सड़क से? विधायक जी कम से कम आधा किलोमीटर दूर रहते हैं। विधायक जी ने भी आंखें मूंद रखी है कि पुल के नीचे जो करूले का मुख्य मार्ग है इसी रोड से निकल के लोग गुजरते हैं, जिसको नहायत ही परेशानी और समस्या का सामना करना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि शौचालय बने इस प्याऊ को संज्ञान में लेकर जिम्मेदार अधिकारी कब तक ठीक कर पाते हैं। मुरादाबाद जनपद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसके चलते दोनों पक्षों के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुरादाबाद जनपद में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल मामला थाना बागबड़ा क्षेत्र के ग्राम उमरी सब्जीपुर कला का है, जहां पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि भूरा शरबती और बाबू तीनों सगे भाई हैं। आज सुबह अचानक पैसों के लेन देन को लेकर भाइयों में आपस में मारपीट हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि तीनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आनंद फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पैसे लेने गया, एक पे भैया 45,000 रुपए, सुबराती पे 50,000 रुपए। लोड़िया की शादी आ गई मेरे पैसे, तो वीर मेरे उल्टी सीधी बात हो गई, तो फिर लोगों ने पकड़ के मेरे ऊपर सरिया और डंडा फेंक दिया। मेरे वाले दुकान पे मैंने रात को बुलाया तो भैया उन्होंने पथराव कर दिया, फिर पे ईटा मार दी। कितने घायल हुए? कितने लोग? दो लोग बापू थक घायल है, एक मेरा लबड़ा बड़ा वाला है बेटा, मेरे बेटे बहुत चोट है, बाल टूट हुई है। गांव कौन सा है? ऊपरी सब्जीपुर है। थाना पागबड़ा। थाना पागबड़ा। पुलिस को सूचना दे दी? हाँ भैया पुलिस तो आ गई। तब जो खून में थक रहा है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। मुरादाबाद के कुंदरगी क्षेत्र के ग्राम में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्राम के ही रहने वाले कुछ युवकों ने एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मुरादाबाद के कुंदरगी क्षेत्र के ग्राम में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्राम के ही रहने वाले कुछ युवकों ने एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। दरअसल चुनाव के समय से उनकी पुरानी रंजिश चली आ रही है, जिसमें उस महिला का पति भी जेल में बंद है। मुकदमे वापसी को लेकर उनके साथ मारपीट की गई। वहीं मारपीट में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज चल रहा है। क्या मामला हुआ है? झगड़ा। झगड़ा किससे हो गया? घर में घुस के मारपीट करी, लड़कियों से छेड़खानी करी। किसने करी है? नवाब ने। कौन है ये नवाब? हमारे घर वालों का फुफेरा भाई। तो क्या बात थी, कोई विवाद चल रहा था? क्या मामला? उनसे हमारा पहले भी झगड़ा हो चुका। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? तारीख नहीं हो, मतलब इनकी जमानत नहीं होती, जमानत रोक दी इन लोगों ने। किस मामले में जमानत थी? तीन वही प्रधानी का झगड़ा। अच्छा, प्रधानी के झगड़े में हुआ है। तो कितने लोग घायल हुए हैं आपकी तरफ से? मेरे बच्ची 5 घायल हुई हैं। जी जी जी। क्या मारा क्या है? ये पाठल मारी है सर में। सर में बच्ची है, पांचों बच्चियों के पाठल मारी है? नहीं, पांचों के नहीं, इसके लगी है। और मारने वालों का नाम क्या क्या है? एक का सबाव आलम और एक का आफ्ताब। आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी? करा दी। ये कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये भी सैफपुर के हैं, पास के। थाना कौन सा लगता है? कुंदर की। पुलिस को सूचना दी थी? घटना कब की है? 24 तारीख की। फिलहाल घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे ताज़ा तहरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें SS लोकल लाइव न्यूज़ के साथ। हम आपको बता दें कि आप सभी हमारी ये खबरें फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। धन्यवाद।